माँ। अरे वाह, क्रॉल करेंगे बस बेटा, फ्यू 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 डेज मोर। वो हाथ का नहीं जोड़ दे पा रही ना अभी, देखो अभी तक तो ये भी नहीं हो पा रहा था उससे जो इतना हो रहा है। हाँ बेटा बस बस हो जाएगा बहुत जल्दी। ये फाइनली वी आर एट होम, हाउ वाज योर ट्रिप? ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट। कान को लेकर चीकू को भी आने दो, फिर खोलना उसके साथ बैठ के, है ना? ये लो तुम्हारे पास आ गया। हैप्पी हैप्पी। अरे यार तुम, ये क्या है? ये देख। उसको क्या पता क्या है दीदी, मुझे क्या पता दीदी ये क्या है? Anytime, but not now. What is this? It's a naughty thing. Clay. Naughty. Are you happy? Are you happy or not? Yes. Show me your happiness then. Yeah. She is happy too, but she wants to open present. Kushi. Yes, this is for Kushi. Show me, what is this? Show me. It's a naughty cat. No, it's a tiger, I guess. Tiger. What is this? Scratch and doodling. I will let you know, Anika, how to use it, okay? It is not a basic and normal sketchbook. It's a doodle book. Scratch and doodle, okay? I'll show you how to use it, okay? Iska tala. Andar different hai. What happened to you? She wants her tiger. One more storybook, Krishu. Kushu, what is this, Kushu? Kushu, don't go that side. Come on. It is different. Yes, I can see it's got crayons. Colors. Sketch pens. Here we have sketch pens. Oh. One coloring bag. Oh. This you can color also, okay? You can create your own colored bag. Your own design bag. See? Mama, I want to do it by my own now. Yes, but not now. We will do it later, okay? Yes, yes, yes. Definitely we will do, but after some time. Okay, baby? Yes, it's like this. It's like this. You know what it is?
रही हूँ और अभी हमने सिल्वर स्पून एंड बाउल में ही खिलाना शुरू किया है. अभी कुछ टाइम हम इसमें ही खिलाएंगे, फिर देखते हैं कि आगे हम कौन से विसल पेयर स्विच करते हैं. स्टील के बाउल्स वगैरह भी हैं, उसमें ही हम प्रेफर करेंगे खिलाना इंस्टेड ऑफ फीडिंग इन प्लास्टिक. ये कैरेट प्यूरी है और चीकू को काफ़ी पसंद आई है ना चीकू? खुद से खाना है, खुद से खाना है. हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो. Hey guys, so finally we are back. Okay, और 5 days की जो ट्रिप थी, 4 days, 5 days, 4 night. Yes, I guess. So पहले तो हमारा टारगेट था कि बेबी का अन्नप्राशन करना है फैमिली के साथ में, वो हो गया और वो बहुत अच्छे से हो गया. लिटरली यार, मम्मी पापा ने इतने शॉर्ट नोटिस में, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे से हो जाएगा. मुझे लगा था यार घर में नहीं हो रहा है, हम बाहर जा रहे हैं और ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हमें कोई सोर्सेज नहीं. ऑल्दो एक छोटा सा पार्ट था जो हाफ बर्थडे सेलिब्रेशन था, वो रह गया. और वो क्यों रह गया, कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई ड्यू टू माई मिस्टेक. तो हम यहाँ करेंगे अभी उसको, वो सारा कुछ. और फोटोशूट भी अभी बाकी 6 month वाला, तो वो भी हम यही करेंगे. लास्ट पूरा ये 2-3 हफ्ता कैसे भी था पता नहीं, और फिर उसके बाद जाना भी था तो शाम भी करना है, क्या लेके जाना है, बेबी क्या एक्सेसरीज है, बेबी अभी खाना स्टार्ट करेगी, अन्नप्राशन है, तो सब तरह की चीज़ें हमें लेनी थी, करनी थी. देन उसके बाद में क्रिसमस का रश था, तो बैंगलोर में वैसे ही बहुत ट्रैफिक. आप लोग अगर बैंगलोर में रहते हो आपको पता होगा डेफिनेटली कि वहाँ कितना ट्रैफिक होता है, बहुत रश था. तो 4 दिन तो कहाँ चले गए पता नहीं फैमिली के साथ में. और बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सीरियसली हम कहीं बहुत ही यू नो अमेजिंग सी प्लेस पे घूमने के लिए आए हैं. हम सभी ने अपने अपने जगह पे इंजॉय किया, मज़ा, बहुत आराम भी किया, जो मैं चाहती थी यार. भागम भाग करने से बेटर है कि मैं चाहती कि मुझे मेंटली और फिजिकली रेस्ट चाहिए, जो मुझे रेस्ट वहाँ पर मिल गया. मायके तो नहीं जा पाई, लेकिन चलो ठीक है, वो भी मायके से कम नहीं था क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे बहुत आराम दिया. खाना पीना अच्छा ही मिल गया, तो जहाँ पर हमने स्टे किया था स्टर्लिंग कीज होटल था, तो उसी में हमने स्टे किया, तो वहाँ खाना भी बहुत अच्छा था, स्टे भी अच्छा था. और हमने सेरेमनी भी वहीं पर करी. मम्मी पापा ने शॉर्ट नोटिस पे सारे अरेंजमेंट कर दिए. ये देखो, ये चीकू जी यहीं पर हैं. कहाँ गए ए चीकू, ये पेरे बदमाशू घट्टा है. तो अब इसके खिलाना पिलाना हमने शुरू कर दिया है. सारा कुछ जितना भी चीज़ें होती हैं अन्नप्राशन की, छोटी से लेकर बड़ी सारी चीज़, सब कुछ मम्मी पापा ने अरेंज कर दिया. ओ माई गॉड यार, दे मेड आवर डे. अपनी नातिन के लिए इतना सब कुछ, मुझे सीरियसली बिलीव नहीं हो रहा था कि पापा, मम्मी, भाई सब कुछ फटाफट से एक रात में अरेंज कर देंगे. सो क्योंकि हमारा पहले जाना कंफर्म नहीं था, जाना है नहीं जाना, पता नहीं क्या चल रहा था, टिकट्स नहीं मिल रही थी, एकदम सडनली टिकट मिली, एकदम सडन जाना हो गया, सडन पैकिंग हो गई, चले गए और अब आ गए. सो चीकू ने अभी खाना स्टार्ट कर दिया. आज मैंने उसे कैरेट प्यूरी दी थी, पहली बार वेजिटेबल दिया है आज. फ्रूट में बनाना एंड एप्पल तो हमने ट्राई कर लिया था, जिसमें कि एप्पल चीकू को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बनाना थोड़ा अच्छा लगा. एप्पल भी थोड़ा सा ही खाया था उसने, पर बहुत मन से नहीं खाया. बनाना फर्स्ट डे उसने बहुत मन से खाया था, सेकंड डे उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो बनाना का टेस्ट ही बिल्कुल अलग था, थोड़ा सा रॉ टाइप का था. रॉ बनाना बच्चों को नहीं देना है, उससे बच्चों को ठंडी लग सकती है, तो हमने बस टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ही दिया था, बिकॉज हमें जाना था, बनाना का कोई ऑप्शन भी नहीं था और हम एक रिदम ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे. लेकिन वहां जाके रिदम ब्रेक हो ही गया, क्योंकि बेबी को थोड़ा सा कोल्ड हो गया था जाने से पहले ही, फीवर हो गया था जाने से पहले ही. तो हमने कुछ और नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया खिलाने पिलाने से रिलेटेड. एंड बस आज चिकू ने अच्छे से कैरेट खा लिया है, जो मैं चाहती थी, टच वुड, बस ऐसे ही आगे चलता रहे. और मैं शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं हम. और या शॉपिंग के बारे में बात करना चाहती, तो शॉपिंग तो हम कुछ नहीं कर पाए. इतनी मतलब एक ही मॉल हमने विजिट किया, फिनिक्स मॉल, और वो इतना ज़्यादा ओवरक्राउडेड था, जबकि प्री क्रिसमस ईव था, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया, तो हम एक भी स्टोर विजिट नहीं कर पाए लिटरली. सो हमने थोड़ा बहुत बच्चों के लिए और शॉपिंग करी, वो भी एयरपोर्ट से ही करी शॉपिंग. और एक और मॉल था जो कि मेरे भाई के घर के पास में था, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिए, टॉयज लिए. ये देख लो इनको, नहीं इनको देख लो, पहले आप इनको देख लो. वहाँ सारा सामान अभी फैला हुआ है, काफ़ी कुछ मैंने हटा दिया, कल ही हम पहुँचे हैं तो सब कुछ हटा दिया. कुछ चीज़ें स्टिल वहाँ पर हैं जो हटानी हैं. और चाय बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, मैगी बन रही है, चाय बन रही है. सो
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, आई डोंट नो। मैं कोशिश करूंगी कि ब्लॉग्स में आपको हर चीज थोड़े थोड़े टुकड़ों में बता पाऊँ, अभी इतना टाइम नहीं है लंबी लंबी स्टोरी बताने का एंड अपनी कहानी सुनाने का, तो चलो बाद में मिलती हूँ आपसे। ओके सो यहाँ किचन के साइड कैबिनेट में मैंने ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखी है। बेबी के सारे सीरियल्स हैं, होममेड सीरियल्स हैं, राइस अलग है, दलिया अलग है, दाल अलग है, सूजी और साबुदाना भी अलग है, ड्राई फ्रूट पाउडर और सारी एक्सेसरीज यहाँ पर रखी हुई हैं। उसके पास में मेरी इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि रोज़ मैं यूज़ करती हूँ, अब इतना सफिशियंट स्टोरेज तो है नहीं, तो मैंने इसमें ही सब कुछ सेट कर दिया। अभी इसमें मैंने ऐड किया है रवा जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, और जो दाल का पाउडर बना कर रखा था मैंने वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और इसे हल्का सा बिल्कुल एक ड्रॉप घी डाल करके मैं रोस्ट करके और कुक कर रही हूँ पानी के साथ, और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा यानी कि अच्छे से रवा पक जाएगा तो फिर मैं इसे यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये देखो ये 5 मिनट के बाद अच्छे से कुक हो चुका है, इसमें दाल पाउडर भी था, रवा था, पानी था, और मैंने कुछ और भी ऐड इसमें नहीं किया एक्सेप्ट थोड़ा सा घी एक ड्रॉप इसमें मिलाया था, तो ये पक चुका है अच्छे से। बस इसे हम थोड़ा सा और मतलब कि गाढ़ा करेंगे, फिर तो इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। हमारे पास थी बेबी की हाई चेयर भी, मैंने आपको बताया था, और अनिका के टाइम पे भी जो हमने हाई चेयर ली थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है, लव लैब से ही थी और अभी वाली भी लव लैब से ही है। सो ये है वो हाई चेयर, यहाँ पर ये रखी हुई है जो कि अभी टेबल एंड चेयर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसे हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। अगर ज़रूरत लगेगी जो नई हाई चेयर है मूवेबल वाली वो अगर वर्क नहीं करती है तो वापस से हम इस पर ही स्विच हो जाएंगे, इसको सेट कर देंगे, और इसका ट्रे भी रखा हुआ है हमारे पास में, एंड देन दूसरा जो है वो भी यहीं कहीं पर ही है, वहाँ रूम में रखा हुआ है, वो देख रहे हो आप, वो रखा हुआ हाई चेयर। सो सेट करेंगे, और फिर बेबी का वॉकर भी आ चुका है, लेकिन अभी हम वॉकर यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली एक सिटिंग वॉकर है जो कि अनिका का ही था, और मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्या क्या चीज़ें ली जो फर्स्ट बेबी के साथ साथ सेकेंड बेबी में भी काम आई। ये वाला है वॉकर, अच्छे से दिखाऊंगी मैं आपको, या फिर मैंने दिखा ही दिया होगा, मे बी मैं ये सब चीज़ें मैं देरी नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे काम आया तो किसी और को भी काम आ जाए, ऑन टाइम काम आ जाए। सो मैं दिखाऊंगी आपको सब कुछ, और डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी सारी चीज़ों से। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री, हाँ क्रिसमस इस बार हमने यहाँ पे नहीं सेलिब्रेट किया, बाहर किया, लेकिन ट्री हमने डेकोरेट कर दिया था पहले। अच्छे से कुक हो चुका है और अभी से हम ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद निकाल लेंगे पैन में। सो ये वाला जो सॉस पैन है ये भी मैंने बेबी के फूड प्रिपरेशन के लिए सेपरेट परचेज की, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है, ठीक ठाक साइज का है जिसमें बेबी का खाना अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। इसे वापस से मैं गैस पर ही रख देती हूँ साइड में, मैंने हटा दिया था क्योंकि गैस थोड़ी गर्म थी, तो इसलिए मैंने सेपरेट ही परचेज कर लिया। अपना क्या होता है कि तरह तरह की चीज़ हम बनाते रहते हैं खाते रहते हैं, तो वो खाना कैमरा ऑन है, हाँ ठीक है अभी हटाते हैं, उनको पता चल गया है कि कैमरा ऑन है, तो कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं खाते पीते हैं। आई गेस इसे अच्छा लग रहा है रवा एंड दाल, इसे अच्छा लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ी सी दाल मिलाई थी, लेकिन इससे थोड़ा सा टेस्ट जो होता है ना रवा का वो चेंज हो जाता है।
बना तो लिए हमने खिचड़ी, पता नहीं चीकू खाएगी कि नहीं खाएगी। दिन में तो कैरेट बिल्कुल नहीं खाया आज, एक तो लेट हो गया, टाइम का बहुत फर्क पड़ता है, ऊपर से घर में इतनी क्राउड हो गया था, बहुत शोर था, तो उसने रिजेक्ट ही कर दिया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने चीकू को किस तरीके से ट्रेन किया और कैसे उसे चीज़ें सिखा रही हूँ करना, और बहुत सारे माइलस्टोन हैं जो चीकू ने कवर अप कर दिए हैं ऑलरेडी। और मैंने शायद 6 मंथ के जो माइलस्टोन हैं और एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में भी आपको मैंशन कर ही दिया होगा कम्युनिटी पोस्ट पर, मे बी अभी तक जैसे मैंने किए हैं सारे मंथ्स के, तो इस बार भी कर दूंगी। नाउ बेबी को सुलाना कैसे है, स्लीपिंग पैटर्न कैसे बनाना है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, क्योंकि चीकू के टाइम पर मतलब सेकंड बेबी के टाइम पर मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ स्टार्टिंग का कुछ टाइम था, बिल्कुल स्टार्टिंग का न्यू बॉर्न एज जो होता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी यार, वो तो ऑब्वियस सभी को होती, लेकिन उसके बाद हमने स्लोली उसका जो स्लीपिंग पैटर्न था ना वो बना दिया और उसे बहुत ही आसानी हुई सोने में भी और हमें भी आसानी हुई उसके साथ में, हमारी जो न्यू बॉर्न बेबी वाली जो जर्नी थी, न्यू पेरेंट्स वाली जर्नी थी, उसे एंजॉय करने में बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अभी करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज़ में, स्टेप बाय स्टेप स्लोली करिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हेल्प जरूर करेंगी। चलो अभी मैं जा रही हूँ चीकू के पास। हो जाएंगे।